मैंने भी देखा है जो वीडियो वायरल हुआ है, ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें मैंने क्या कहा, सावधान किया है कि हमारी सामाजिक एकता बनी रहे 28 तारीख तक, क्योंकि प्रयास किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के माध्यम से, ये प्रयास करेगी उलझाने की, ये प्रयास करेगी भड़काने की। और वो मैंने वीडियो में केवल नहीं कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कोई हिसाब नहीं दे पा रही, कोई जवाब नहीं दे पा रही, ये इस प्रकार का प्रयास करेंगे। मैं तो समझा रहा था, मैंने उस वीडियो में स्पष्ट समझाया है जो वायरल हुआ है, आप सबने सुना है, कि मैं कह रहा हूं आप उलझिएगा मत। और 28 के बाद उनकी पूरी रक्षा करी जाएगी, सबकी पूरी रक्षा करी जाएगी। क्या निपट लेंगे इलेक्शन? जो लोग भड़काने की बात करेंगे जरूर, जो लोग इस प्रकार की बात करेंगे, जो समाज को बांटने की बात करेंगे जरूर, हम ऐसा करेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा है कि हम हर समाज की रक्षा करेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे। मैंने कहा आप उलझिएगा मत, ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि कोई ना उलझे, क्योंकि ये प्रयास किया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रयास होगा कि किस तरह ये बांटे। और ये जो वीडियो है लगभग 3 महीने पुराना है, और जो 3 महीने बाद पहले मैंने बात कही है ये बात सही है। मैं तो जो बात कह रहा था उनको रोक रहा था कि ना उलझे, कोई इन सब से जो आरएसएस के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, कोई इन सब चीजों में ना उलझे, शांति बनाए रखें। 28 के बाद जो ये प्रयास करेंगे, जो समाज को बांटने का प्रयास करेंगे, राजनीतिक कारण जो समाज को बांटने का प्रयास करेंगे, उन पर जरूर कार्रवाई होगी।